चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, आप सबने मिशन प्रेरणा का पिछला वीडियो देखा, जिसमें आपने जाना कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में विभाग द्वारा कौन कौन सी शिक्षण सामग्री आपको प्रदान की जा रही है। इस संदर्भ में बुनियादी शिक्षा से संबंधित क्रियान्वयन पुस्तिका का विशेष महत्व है। बुनियादी शिक्षा से प्रदेश के विद्यालय के शिक्षकों को अवगत कराने के लिए सभी शिक्षकों को आधारशिला पुस्तिका भी प्रदान की जा रही है। भाषा और गणित में बुनियादी शिक्षा के मायने समझने के लिए आधारशिला पुस्तिका अति महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन कर शिक्षक बुनियादी शिक्षा का महत्व समझ पाएंगे और इसे कक्षा में ढालने के अभिनव प्रयासों से अवगत भी हो पाएंगे। जहां आधारशिला बुनियादी शिक्षा की अवधारणाओं का उल्लेख करती है, वहीं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका इन अवधारणाओं को इस्तेमाल करने का तरीका बताती है। कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों को भाषा और गणित जैसी बुनियादी शिक्षा में सफल बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा किस प्रकार से कक्षा का संचालन किया जाए, इसके लिए ही ये संदर्शिका निर्धारित की गई है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के माध्यम से हम अपनी शिक्षण दिनचर्या को एक नए रूप में ढाल पाएंगे। बुनियादी शिक्षा के घटकों को कक्षा में लागू करने के लिए आप इस संदर्शिका का उपयोग करें। ये सभी पुस्तकें प्रेरणा सूची को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। भाषा और गणित की दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से वार्षिक, साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण कार्य का विवरण दिया गया है। आइए अब हम एक एक करके भाषा और गणित की संदर्शिकाओं के मायने समझते हैं। इस संदर्शिका के द्वारा कक्षा में शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की वार्षिक, मासिक और दैनिक स्पष्टता होना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन संदर्शिकाओं में विषय और कक्षा के अनुसार कार्य योजनाएं दी गई हैं। इसे ठीक से समझने के लिए आइए हम भाषा और गणित की कार्य योजनाओं का एक एक सैंपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणित की वार्षिक कार्य योजना की। गणित की इस वार्षिक कार्य योजना से एक शिक्षक को वार्षिक स्तर पर हर माह क्या और किस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाना है, इसकी स्पष्टता मिलती है। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्य योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। यहाँ सबसे पहले है महीने का कॉलम, जिसके आगे विषय की चर्चा की गई है। अब यहाँ कोड के कॉलम में विषय से संबंधित प्रेरणा सूची की दक्षताओं के कोड लिखे हैं और इसके अगले कॉलम में दक्षता भी लिखी गई है, साथ ही शिक्षण उद्देश्य भी दिए गए हैं। हर दक्षता को हासिल करने के लिए कक्षा में किस उद्देश्य से पढ़ाना है, इसका विवरण भी स्पष्ट रूप से दिया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि संदर्शिका में दी गई कौन सी शिक्षण योजना से आप इसे पढ़ाएंगे। अब हम गणित के इस कार्य योजना को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सितंबर माह में गणितीय कार्य पढ़ाने और संख्याओं की समझ विकसित करने के संबंध में हम 3 और 4 अंकों की संख्याओं से अवगत होते हुए अंकों में लिखी संख्या को शब्दों में और शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखना जानेंगे। साथ ही 3 और 4 अंकों वाली संख्याओं में बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बराबर वाली संख्या की समझ भी बढ़ाएंगे। इस प्रकार दिए गए सभी शिक्षण उद्देश्य पूरे करते हुए हम प्रेरणा सूची की दक्षता M301 को हासिल कर पाएंगे। इस कार्य को करने के लिए हम शिक्षण योजना 1 और 2 के साथ अभ्यास पत्र 1 और 2 भी इस्तेमाल करेंगे। आइए अब बात करते हैं भाषा की। भाषा में भी गणित के वार्षिक कार्य योजना की तरह ही प्रत्येक माह क्या क्या पढ़ाना है, इसकी जानकारी मिल पाएगी। इस वार्षिक कार्य योजना के प्रथम कॉलम में सप्ताह,
दूसरे कॉलम में महीना और उसके बाद के तीन कॉलम में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए दैनिक तौर पर दिए गए कालांश का विवरण दिया गया है। हमारी वार्षिक योजना और हमारी समय सारणी के मध्य संबंध के साथ साथ इस सत्र में भाषा और गणित पढ़ाने के लिए दिए गए समय पर चर्चा हम आगे करेंगे। अब जिस प्रकार हमने गणित की कार्य योजना एक उदाहरण द्वारा समझी थी, भाषा की कार्य योजना भी वैसे ही एक उदाहरण से समझते हैं। इस वार्षिक योजना को देखते हुए आप समझ पाएंगे कि इस सत्र में सितंबर के तीसरे सप्ताह में आप खेत वाले चार्ट, हाथी कविता के पोस्टर और सहज पुस्तिका के निर्धारित पृष्ठों से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप बच्चों को कलरव पुस्तिका के पाठ 1, 2 और 3 और कार्य पुस्तिका के 6 से 20 तक के पृष्ठों से कार्य कराएंगे। और हाँ, भाषा पढ़ाने से संबंधित दी जाने वाली सभी सामग्री के बारे में हम पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, जहाँ इस कार्य योजना से हमें एक शैक्षिक सत्र के वार्षिक पाठ्यक्रम की स्पष्टता मिलती है। वहीं हमें दैनिक स्तर पर कब क्या पढ़ाना है ये भी स्पष्ट होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए है हमारी समय सारणी, जो हमें रोज किस समय कौन सा विषय पढ़ाना है इससे परिचित कराती है। अब हम इस सत्र में दी जा रही समय सारणी के बारे में भी जानेंगे। इस समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश के लिए 40 मिनट की अवधि निर्धारित की गई है। यहाँ हम कक्षा 1, 2 और 3 की समय सारणी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए समय सारणी के अंदर एक ही प्रकार का विषय और समय विभाजन है। दोनों के लिए 3 कालांश दिए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 में हिंदी के लिए 2 और गणित के लिए भी 2 ही कालांश दिए गए हैं। इस समय सारणी का सीधा संबंध हमारी वार्षिक क्रियान्वयन योजना के सुचारू संचालन से है। हम माह के किसी भी दिन पहले, दूसरे और तीसरे कालांश में कब और क्या पढ़ाएंगे, इसकी जानकारी हमें समय सारणी और संदर्शिका को साथ रखकर उपयोग करने से हो जाएगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी को उपयोग कर शिक्षण करना समझेंगे। आशा है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आप विभाग द्वारा प्राप्त शैक्षणिक सामग्रियों का समुचित उपयोग करना सीख चुके होंगे और बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए आप इनका प्रयोग भली भांति करेंगे।